औलाद जीव, प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को प्राणी जगत का अगला संघ है एनिलिडा स्पष्ट कर रहे हैं या बता रहे हैं। तो इस संघ की क्या विशेषताएं हैं, इस संघ में किस प्रकार के जंतुओं को रखा गया है, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, किस प्रकार की संरचना को ये व्यक्त करते हैं, ये आवास इनका या इनका जो है निवास किस स्थान पर होता है, इनका व्यवहार कैसा होता है, हैबिटेट कैसा होता है, इसे हम जो है क्रमबद्ध बता रहे हैं। तो इस संघ की विशेषताएं या लक्षण है, मुख्य लक्षणों की बात या चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें संघ एनिलिडा के लक्षण यानी फीचर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। तो पहला लक्षण ये है कि ये जंतु अर्थात इस संघ के जंतु या प्राणी जलीय होते हैं या स्थलीय भी होते हैं। तो जलीय में कुछ जल ऐसे होते हैं कि इसमें लवण की मात्रा पाई जाती है और कुछ जल ऐसे होते हैं कि इनमें लवण की मात्रा नहीं होती। तो लवणीय जल और अलवणीय दोनों प्रकार के जलों में जो होते हैं इस संघ के प्राणी पाए जाते हैं। दूसरा लक्षण ये है कि ये स्वतंत्र जीवी होते हैं तथा कभी कभी ये जो होते हैं परजीवी रूप में भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये स्वतंत्र फ्री रेडिकल्स के रूप में है, स्वतंत्र जीवी होते हैं और कुछ ऐसे भी इसमें जीव होते हैं कि कभी कभी वो क्या करते हैं, परजीवों की भांति भी व्यवहार करते हैं। तीसरी बात यह है कि इनके शरीर का संगठन जो होता है अंग स्तर का होता है, यानी एनिलिडा संघ के प्राणियों का जो शरीर का संगठन होता है, इसके पहले हम बता भी चुके हैं कि शरीर का संगठन कई स्तर पर होता है, कोशिकीय स्तर पर होता है, ऊतक स्तर पर भी होता है और अंग तंत्र स्तर पर भी होता है। तो ऐसी प्रक्रिया में जो होता है इस संघ के प्राणियों के शरीर का जो मतलब संगठन है अंग तंत्र स्तर का होता है। तीसरी बात यह है और चौथी बात, इनके शरीर द्विपार सममित त्रिकोरिक और विखंडित होते हैं। कहने का मतलब ये है इस संघ के प्राणियों का शरीर जो होता है त्रिकोरिक है। त्रिकोरिक का मतलब बता चुके हैं, ऐसे प्राणी जिनके भ्रूणीय परिवर्धन की स्थितियों में क्या होता है, भ्रूण में तीन अस्तरों का निर्माण होता है, जैसे प्रथम स्तर एक्टोडर्म होता है, बाह्यजन स्तर दूसरा होता है, अंतःजन स्तर यानी एंडोडर्म, और दोनों के मध्य जो होता है तीसरा स्तर जो बनता है इसे मध्यजन स्तर अर्थात मेसोडर्म कहते हैं। ये तीनों स्तर अगर पाए जाते हैं भ्रूणी परिवर्धन या भ्रूण विकास की स्थिति में तो ऐसे प्राणी को कहा जाता है त्रिकोरिक। और इसके साथ साथ सममिति, सममित का मतलब होता है कि इनके शरीर को अगर किसी भी केंद्रीय भाग से कोई भी अक्ष या रेखा जो है डाला जाता है तो ये समरूप दो भागों में विभाजित कर देता है। तो ऐसे समान भागों को समद्विपार्श्वी या फिर कहते हैं द्विपार्श्वी सममिति कहते हैं। इसके साथ साथ इनका शरीर जो होता है, कुछ प्राणियों का शरीर लगभग जो होता है 100 से 120 खंडों में डिवाइड होता है, बटा होता है या विभाजित होता है। जैसे अर्थवार्म है, अर्थवार्म का मतलब होता है केचुआ, यानी केचुए का शरीर जो होता है यानी 100 से लेकर के नियर अबाउट जो होता है 120 खंडों में विभाजित होता है।
यानी शरीर जो होती है इस तरह से छल्ले की रूप में, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप इनका ये ऐसे जो होता है छल्लों के रूप में, यानी कि यहाँ से इनकी बॉडीज जो होती है इस तरह से ऐसे छल्लों के रूप में क्या होती है खंडित होती है, ऐसे खंड जो होते हैं इस पर बने होते हैं। तो इनकी संख्या लगभग जो होती है 100 के एबव यानी 100 से 120 की संख्या में होती है। अगला नंबर ये है कि इनमें जो है ये खंड जो होते हैं वृत्ताकार दिखाई देते हैं, छल्ले नुमा दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ इनमें जो चलन का काम होता है गमन जो कहते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि इनमें सीटी पाई जाती है, सीटी सीटी के माध्यम से ही क्या करते हैं ये गमन का कार्य करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान को चलने का कार्य करते हैं। और कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जैसे नेरिस है, नेरिस सिस्टम का प्राणी भी होता है, इसमें क्या होता है पैरापोडिया पाया जाता है। पैरापोडिया, पैरापोडिया का मतलब होता है इसके शरीर पर ढेर सारे ऐसे जो होते हैं यहाँ से यहाँ ऐसे बाल जैसे क्या होते हैं पोर्स निकले होते हैं, पोर्स का मतलब होता है टांगे या पैर होते हैं, ठीक। तो इन रचनाओं को कहा जाता है पैरापोडिया। तो नेरिस एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर की पूरी सतह पर क्या होता है पूरे इस पर क्या होते हैं अनेकों प्रकार के अनेक जो होते हैं संख्या में पोर्ट्स पाए जाते हैं और इन्हें कहा जाता है पैरापोडिया। इसके बाद इनमें जो रक्त प्रसंचरण की प्रक्रिया होती है, रक्त यानी कि जैसे आप लोगों ने सुना भी है कि रक्त प्रसंचरण एक तंत्र है, इस तंत्र के अंतर्गत जो होता है दो प्रकार का तंत्र आता है, एक होता है खुला प्रसंचरण तंत्र, दूसरा होता है बंद प्रसंचरण तंत्र। तो बंद प्रसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि अगर शरीर के हृदय से रक्त क्या होता है शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है और रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं धमनी सिरा या केशिकाएँ होती हैं इनके माध्यम से पुनः जो होता है वो वापस आता है। तो समझिए कि ऐसे प्रसंचरण तंत्र को क्लोज्ड या बंद प्रसंचरण तंत्र कहा जाता है। और दूसरा जो होता है इसमें यानी रक्त जो होता है हृदय से तो प्रवाहित हुआ लेकिन शरीर के विभिन्न भागों में गया, गुहा में गया और वहीं तक सीमित रह जाता है, पुनः हृदय की ओर नहीं आता। तो इस प्रकार का रक्त जो होता है इसमें WBC की भी मात्रा क्या होती है नहीं होती है, सॉरी WBC करें RBC की मात्रा जो होती है नहीं होती, इसमें पूर्ण रूप से क्या होता है WBC ही होता है। श्वेत रुधिर वाले होते हैं यानी जितने भी मतलब खुला प्रसंचरण तंत्र है उसमें क्या होता है ये कहिए कि इसमें जो होते हैं WBC कणिकाएँ होती हैं, और जो RBC वाले होते हैं इन सब में क्या होता है बंद प्रसंचरण तंत्र ही पाया जाता है। इसके साथ साथ ये बात है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है इनमें, ये तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी क्या होती हैं गुच्छिकाएँ होती हैं जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। और इसके साथ साथ वृक्क क्या करते हैं इसमें परासरण नियंत्रण एवं उत्सर्जन का काम करते हैं। वृक्क का मतलब नेफ्रिडियास होते हैं कुछ, और इनका कार्य ये होता है कि ये यानी साथ साथ नहीं उत्सर्जन का भी काम करते हैं और उत्सर्जन की क्रियाओं का नियंत्रण भी करते हैं। अगला नंबर ये है कि इस संघ के जंतु एकलिंगी होते हैं और कुछ जंतु ऐसे हैं कि द्विलिंगी भी होते हैं, जैसे अभी केचुए की बात आई अर्थवार में, तो ये प्राणी ऐसा होता है कि इसके शरीर पर नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं, इसलिए ये प्राणी क्या होता है द्विलिंगी होता है। और कुछ प्राणी क्या होते हैं एकलिंगी हैं, जैसे इसमें क्या होते हैं नर ही जननांग पाया गया तो एकलिंगी है, मादा ही जननांग पाया गया तो वो भी क्या है एकलिंगी है, अर्थात एक शरीर पर जो होते हैं जब दोनों अंग पाए जाते हैं तो ऐसे प्राणियों को द्विलिंगी या बाईसेक्सुअल कहा जाता है, और जिसमें नर जननांग है मादा नहीं है तो वो क्या है एकलिंगी प्राणी होते हैं। अगला नंबर ये है जनन जो होता है ये खास करके लैंगिक विधि से होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें जनन की प्रक्रिया विशेष रूप से क्या होती है लैंगिक होती है। लैंगिक का मतलब होता है नर और मादा दोनों युग्मकों का संलयन होता है,
और नर और मादा युग्मकों के संलयन के लिए नर और मादा की भी आवश्यकता होती है। कारण क्या है? नर से जो होते हैं नर युग्मक प्राप्त होते हैं और मादा से क्या है? मादा युग्मक। और इस निषेचन क्रिया के पश्चात ही जो होता है नए भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसमें दो प्राणियों की आवश्यकता होती है। तो प्रायः जनन जो होता है सेक्सुअल होता है, लैंगिक होता है। और अगला नंबर आता है, जैसे इसमें उदाहरण में नेरिस है, केचुआ है, जोक है, हाँ, ये सभी प्राणी क्या होते हैं? इस संघ के प्रमुख प्राणी होते हैं या प्रमुख जंतु होते हैं। बात ये आती है थोड़ा सा अर्थवार्म, इस संघ का विशेष जंतु होता है जिसका हम वर्गीकरण बता दे रहे हैं, और इस वर्गीकरण को तैयार कर लीजिएगा। ये आपको प्रैक्टिकल में भी जो है नेक्स्ट ईयर में भी जो होता है प्रैक्टिकल होगा, उस प्रैक्टिकल में जो होते हैं कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उसमें आपको बनाना रहेगा और इसका वर्गीकरण करना रहता है, या फिर प्रैक्टिकल में भी जो है इसके स्पार्ट में रख देते हैं तो स्पार्ट में भी आपको जो है इसके कमेंट, और इसके कमेंट का मतलब यही लक्षण जो हमने बताया, और इसके साथ साथ क्या होते हैं इसके वर्गीकरण जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। तो वर्गीकरण ये है इसका, ये तो मालूम हो गया किस संघ का प्राणी है और किस वर्ग का है, किस जाति का है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो चुकी है। तो देखिए सबसे पहले आता है जगत, किस जगत का प्राणी है, तो जगत में लिखेंगे क्या है? जंतु, जंतु जगत का है, यानी इसको कहते हैं किंगडम। किस किंगडम का है? तो यहाँ पर हो जाएगा एनिमेलिया, ठीक। अब इसके बाद आता है फाइलम, संघ, यानी किस संघ का है? फाइलम, फाइलम में लिखिएगा एनिलिडा, एनिलिडा। इसके साथ साथ वर्ग होता है इसका, तो वर्ग जो होता है ओलिगोकीटा है, ओलिगोकीटा। अब अगला नंबर होता है इसमें गण, आर्डर, आर्डर, आर्डर जो होता है हैप्लोटैक्सिडा, टैक्सिडा। और जीनस है, जीनस यानी वंश, जीनस फेरिटीमा, और स्पीसीज है जिसको जाति कहते हैं, स्पीसीज पोस्थुमा। इस प्रकार से ये इसका वर्गीकरण है। तो सबसे पहला नंबर क्या है? जंतु एनिमेलिया है, और इसके बाद संघ क्या है? एनिलिडा है, वर्ग ओलिगोकीटा का है, गण क्या है? हैप्लोटैक्सिडा, और वंश क्या है? फेरिटीमा, और जाति क्या है? पोस्थुमा। और अगर जंतु वैज्ञानिक नामक इसके से पूछा जाता है कि इसका जो है जूलॉजिकल नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, जंतु वैज्ञानिक नेम, तो जंतु वैज्ञानिक नेम में आप सीधे से दो चीज़ों को रख दीजिए, यहाँ वंश और जाति को, यानी यहाँ पर हो जाएगा फेरिटीमा, फेरिटीमा, और इसके साथ में क्या हो जाएगा? पोस्थुमा। तो यही इसका बन जाएगा क्या चीज़? जंतु वैज्ञानिक नाम, ठीक। ये हो गया संघ जो है एनिलिडा। अब हम अगले वीडियो में जो है आप लोगों को नेक्स्ट जो है संघ आर्थ्रोपोडा, जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें यानी काफ़ी अधिक संख्या में, लगभग 9 लाख की संख्या में क्या है जंतुओं को रखा गया है, इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।